लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए करनी सेना के पदाधिकारियों ने भी भाजपा के प्रत्याशी को बुलाकर महाराणा प्रताप की जयंती मनाई। शिवपाला इंटर कॉलेज में साक्षी महाराज ने महाराणा प्रताप की जयंती के शुभ अवसर पर मूर्ति पर फूल माला अर्पण की। वहां उपस्थित लोगों व और इंटर कॉलेज के बच्चे सभी ने मिलकर जय घोष का नारा लगाते हुए साक्षी महाराज का जोरदार स्वागत किया। वहीं पर कुछ बच्चों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में करनी सेना के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सोच रहा था कि मूर्ति तो शहर में या शहर के आसपास होनी चाहिए थी। इतना दूर चल करके आया, मैं बारे में बात कर रहा था, इतनी दूर गांव में शहर में क्यों नहीं। अनेक प्रकार के संकल्प मेरे मन में हो रहे थे, क्योंकि मैंने इनके शहर से बहुत कुछ सीखा है। मुझे नहीं मालूम आप लोग कुल उदयपुर गए कि नहीं गए। मैं तो इनके राजमहल में मेहमान बन के गया हूँ। अभी महाराजा अरविंद प्रताप सिंह इसके मालिक हैं, इनके उत्तराधिकारी थे। महाराणा प्रताप के वंशज जो है वो महाराजा अरविंद प्रताप सिंह जी हैं। उनके आमंत्रण पर मैं झील के अंदर महल में गया, स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, बहुत अच्छा भोज हुआ। तो पूरे महल को और वहाँ बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है जब भी महाराणा प्रताप जी की। जो कोई उदयपुर में जाता है उसकी है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने बहुत कुछ तारे दिन से प्राप्त की है। आप सब सदस्य है। इस स्कूल का भी कुछ सौंदर्य बढ़िया होना चाहिए, इसे भी ठीक करो। मेरे अगर कभी कोई सेवा हो तो मुझे बताइए, ये बहुत अच्छा हो सकता है। मैं ज्यादा समय लेते हुए आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जिसलिए इन्होंने बलिदान दिया था, युद्ध किया था, इस देश के लिए शहादत दी थी, आज फिर देश के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। कुछ लोग राम को गाली दे रहे हैं कि मंदिर बेकार है, बदल की भावना है। कुछ मोदी को गाली दे रहे हैं, कुछ मोदी के काल को तरह तरह से आलोचित कर रहे हैं। तो एक बार फिर इस देश में ये चुनाव नहीं है, लोकतंत्र का महापर्व है, धर्म और अहम की लड़ाई है। एक तरफ दो लोग हैं जो आपके विरोधी है, धर्म के विरोधी है, ऐसे भाइयों के विरोधी है, और एक तरफ दो लोग हैं जो राष्ट्र के पक्ष रहे हैं। और आने वाले 13 तारीख को हमारा एक एक वोट मोदी जी के सम्मान में, राम जी के सम्मान में, हमारा प्रताप जी के सम्मान में, पंडित सम्मान में आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करके संगेन्द्र जी को आशीर्वाद देते हुए शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माता जी ने एक ऐसा हृदय जिसे चोर चोरी नहीं कर सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती। परिवार के लोगों ने अगर बंटवारा हो तो इसमें मैं अभिभावकों से निवेदन ये करूंगा कि रोटी खानी पड़े, बच्चों को पढ़ा लिखा के विद्वान बनाना, और बच्चों बच्चियों से यह आग्रह करूंगा प्रार्थी नाम को तो सुखम, सुख चाहने वालों को विद्या नहीं मिलती है, और विद्या चाहने वालों को विद्या अर्जन काल में सुख नहीं मिला करता है। इसलिए विद्यालय करता हूँ और इस विद्या माला चढ़ाकर क्या लोगों को संदेश देंगे? इस देश को आजाद करने के लिए और गुलामों से युद्ध करने के लिए ऐसे ही जांबाज वीरों ने अपनी जान की बाजी युद्ध करते करते लगा दी। ये भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं, वीरता के प्रतीक हैं। परंतु आजाद भारत में कांग्रेस ने अपने शासन काल में इन सब की अनदेखी की। जब से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो दिल्ली में इंडिया गेट के पास उन्हें बार नेशनल वार बनाया, और आज तक जो भी देश के लिए शहीद हुआ उसकी पट्टिका उस बार में नेशनल वार में लगी हुई है। तो ये हमारे आपका सबका कर्तव्य बनता है, पूरे राष्ट्र का कर्तव्य बनता है कि जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, जब उनका जयंती हो, उनका निर्वाण दिवस हो, तो उन्हें दो फूल चढ़ाएं, प्रणाम करें,
ये हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है। और वो समाज मिट जाता है, समाप्त हो जाता है, जो अपने पुरखाओं को, अपनी पीढ़ियों को याद नहीं रखता है। और आजाद भारत में हमारे साथ यही किया गया। अकबर महान था, ताजमहल बनवाया, ये तो पढ़ाया गया, पर महाराणा प्रताप कौन थे, शिवाजी कौन थे, सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा, अयोध्या का मंदिर किसने तोड़ा, काशी का मंदिर किसने तोड़ा, ये सब छुपाया गया। इस प्रकार से कांग्रेस 63 साल तक राज्य करती रही। सौभाग्य देश का, विश्व का सबसे बड़ा नेता आज भारत का प्रधानमंत्री है, जिनके नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। भारत के इतिहास में रोज एक नया पन्ना जोड़ा जा रहा है। मुझे पता चला कि हाँ, महाराणा प्रताप जी की स्मृति में कार्यक्रम है, तो मैं भी माला चढ़ाने आ गया, प्रणाम करने के लिए आ गया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा कष्ट भी हुआ कि इनका भव्य विग्रह जिला मुख्यालय पर कहीं होना चाहिए, कॉलेज वालों ने बना के रखा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। उन्नाव उत्तर प्रदेश से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।